स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल My Gadget Experience में। दोस्तों, आज रिव्यू करेंगे बोट कंपनी का 3100D होम थिएटर का, जिसे लगभग 13,000 रुपए में खरीदा है। यह होम थिएटर एक सबवूफर, एक साउंड बार और दो सैटेलाइट स्पीकर के साथ आता है। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यह इस प्रकार के बड़े कंपनी वाले बॉक्स में आता है, इसे अलग से पैक नहीं किया गया है। इसे ओपन करने पर इसके अंदर यह बड़ा सा सबवूफर है, यह एक्सेसरीज का पैकेट, यह लंबा सा साउंड बार और दो सैटेलाइट स्पीकर है, साथ में दो एंगल ब्रैकेट भी है। पैकेट के अंदर मल्टीफंक्शनल रिमोट कंट्रोलर, यूजर मैनुअल, दो बैटरी, यह ऑक्स केबल, वारंटी कार्ड, फिक्स करने के लिए यह स्क्रूज, सैटेलाइट स्पीकर के लिए दो स्टिकर और यह सेलिब्रिटीज और अन्य प्रोडक्ट वाली बुकलेट है। कंपनी द्वारा दिए गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार इसका मैक्सिमम पावर आउटपुट 260 वाट है, जिसमें 60 वाट का सबवूफर है। यह 5.1 चैनल सराउंड साउंड को सपोर्ट करता है। अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी डिजिटल प्लस ऑडियो टेक्नोलॉजी है। इसमें बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस जैसे ब्लूटूथ वर्जन 5, ऑक्स पोर्ट, USB पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट और HDMI पोर्ट है। सबसे पहले सबवूफर को देखें तो इसका सामने का भाग प्लास्टिक का है, यहीं ऊपर डिस्प्ले भी है। इसकी बॉडी वुडन है, जिसका सरफेस मैट फिनिश है। लेफ्ट साइड में वूफर क्लॉथ से ढकी है। पीछे की तरफ सारे वायर्ड कनेक्टिविटी ऑप्शंस और साउंड बार एवं सैटेलाइट स्पीकर के लिए कनेक्शन पोर्ट दिए हैं। सबवूफर के ऊपर यह मल्टीफंक्शन कंट्रोल नॉब है, जिससे वॉल्यूम, इनपुट टाइप कनेक्टिविटी ऑप्शन कंट्रोल करते हैं, साथ ही पावर ऑन ऑफ भी करते हैं। यह साउंड बार काफी हल्की है, इसकी बॉडी प्लास्टिक से बनी है। दोनों सैटेलाइट स्पीकर का बिल्ट मटेरियल भी प्लास्टिक है, इसे दीवार में लगाया जा सकता है। सबवूफर के पावर केबल को छोड़कर साउंड बार और सैटेलाइट स्पीकर के केबल काफी लंबे हैं और सबवूफर से अलग तरह के कनेक्टर से कनेक्ट होते हैं। अगर इसके प्रॉज या परफॉर्मेंस की बात करें तो इस होम थिएटर की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। बेस डीप है, वोकल क्लियर है और साउंड काफी लाउड है, मीडियम साइज हॉल के लिए पर्याप्त है। सराउंड साउंड और डॉल्बी डिजिटल प्लस अच्छे से काम करता है। सबवूफर साउंड, ट्रेबल वॉल्यूम, सेंटर चैनल वॉल्यूम और सराउंड चैनल वॉल्यूम को रिमोट कंट्रोलर से कंट्रोल कर सकते हैं। इस होम थिएटर में बहुत सारे इनपुट ऑप्शंस हैं, जिनसे HDMI केबल, ऑप्टिकल केबल, ऑडियो वीडियो केबल, ब्लूटूथ तथा USB पोर्ट द्वारा विभिन्न मीडिया डिवाइस कनेक्ट हो जाता है। इसकी ब्लूटूथ वायरलेस कनेक्टिविटी आसान है, बिना किसी डिले के आसानी से कनेक्ट हो जाता है। यह होम थिएटर जल्दी रिस्पांस करता है, जिसके कारण कंट्रोल करने में कोई परेशानी नहीं होती। इसका रिमोट कंट्रोलर मल्टीफंक्शनल है, दूर से ही लगभग सारे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके सभी बटन अच्छे से काम करते हैं। अब इस साउंड बार होम थिएटर की कमियों के बारे में बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। खासकर साउंड बार और सैटेलाइट स्पीकर किसी सस्ते स्पीकर जैसे लगते हैं। इसके दोनों सैटेलाइट स्पीकर बहुत कम आवाज प्रोड्यूस करता है, कभी कभी पता ही नहीं चलता कि बज रहा है या नहीं। साउंड बार अलग तरह के कनेक्टर द्वारा सबवूफर से कनेक्ट होता है, इसलिए केवल साउंड बार को अकेले नहीं चला सकते। इसमें बहुत सारे इनपुट कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं, लेकिन इसके साथ HDMI केबल, ऑप्टिकल केबल और AV केबल नहीं दिया है। इस होम थिएटर के साथ डुअल ऑक्स जैक केबल दिया है, लेकिन इस होम थिएटर में ऑक्स पोर्ट नहीं है, बल्कि AV केबल के लिए पोर्ट है। बिना रिमोट कंट्रोलर के बेस, ट्रेबल, सराउंड साउंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। सबवूफर में इनके लिए कोई बटन नहीं दिया है। तो अंत में दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो बोट का यह 3100D होम थिएटर एक अच्छा साउंड बार होम थिएटर है। इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है। होम थिएटर का अपना अलग ही मजा है, आपके ऑडियो एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन है, लेकिन बिल्ट क्वालिटी थोड़ा निराश कर सकती है। अगर आप होम थिएटर खरीदने का सोच रहे हैं तो यह अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा इसी प्राइस रेंज में दूसरी कंपनी के
होम थिएटर स्पीकर से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं और अपनी पसंद का खरीद सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अब आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।